नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपानी। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक के बाद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान ये कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक की जो रणनीति है वो दोहराई जाएगी। तो सियासत उबल पड़ी है। कांग्रेस के 150 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे में कितना दम है? कमलनाथ के चेहरे पर वाया 2023-2024 में दिल्ली जीतने की जंग कितनी मुश्किल है, कितना आसान है, ये रिपोर्ट देखिए। 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है, तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। राहुल गांधी का ये बयान और उबल पड़ी मध्य प्रदेश की सियासत। हाल ही में कर्नाटक फतह करने वाली कांग्रेस की नजर अब मध्य प्रदेश पर है। पहले हिमाचल, फिर कर्नाटक, दो दो राज्यों में मिली जीत कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित अन्य नेताओं को बुलाकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक ली और इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने कर दिया कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश को जीतने का ऐलान। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है, तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। 150 सीट जीत लेने के दावे का क्या आधार है? जब ये सवाल पीसीसी अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा राहुल गांधी के पास इसका इनपुट है। राहुल गांधी जी के पास इनपुट है, उनके पास इसकी जानकारी है, वो किसी आधार पर बोल रहे हैं। कर्नाटक रिपीट होगा सर? कर्नाटक से बढ़िया रिपीट होगा। शायद कांग्रेस की तरफ से ऐसे ही दावे किए जाने का इंतजार बीजेपी को था। कांग्रेस के 150 सीट जीतने का ये दावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहां रास आने वाला था, सो कह दिया मन बहलाने को ख्याल अच्छा है। ख्याली पुलाव पकाना है तो पकाइए। बीजेपी इस बार 200 का आंकड़ा पार करने जा रही है। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी जमकर चोट की। कहा दिल्ली में सपना देखना कांग्रेस बंद कर दे, मध्य प्रदेश आकर देखे तो असली हाल पता चलेगा। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने यूपी और गुजरात चुनाव का हाल बताते हुए कांग्रेस की दुखती नस दबा दी। अब दिल्ली में बैठ करके वो सपने ही तो देखेंगे और क्या देखेंगे। अरे मध्य प्रदेश आओ तब जमीन पता लगेगी। राहुल गांधी जी, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का बॉर्डर गुजरात से लगता है, मध्य प्रदेश का बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगता है। जिसे गुजरात के अंदर आपको कैंडिडेट नहीं मिली, आपकी जमानतें जब्त हो गई और उत्तर प्रदेश के अंदर आप इस्तनाबूत हो गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन ताकत के साथ जो इस मध्य प्रदेश को विकास का मॉडल दिया है, जो आपके दिग्विजय सिंह के मिस्टर बंटाधार के नेतृत्व में बीमारू राज्य था, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वो विकसित राज्य बना। और 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में श्रीमान राहुल गांधी जी, आप भी झूठ बोल के गए थे कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किया नहीं। कांग्रेस की ताबड़तोड़ बैठकें, मध्य प्रदेश जीत लेने का दावा और ऐलान ये भी कि कमलनाथ के ही चेहरे पर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के हमले भी कांग्रेस पर तेज हैं। 150 बनाम 200 सीट जीतने के दावों में कितना दम है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। वाया 2023-24 में दिल्ली जीतने की जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बड़ी बैठक आज कांग्रेस की हुई है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय, कांतिलाल भूरिया, ये सभी शामिल हुए। रणनीति तैयार की गई, मंथन किया गया और कई सारे अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही साथ
ये पूरी बैठक के बाद जो है राहुल गांधी मीडिया कर्मियों के सामने आए, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि 150 सीट हम जीतेंगे इस बार, तो 150 का नारा उन्होंने लगाया है। अब इस बयान के बाद सियासत तो होनी ही थी, सियासत हुई। वीडी शर्मा ने इधर बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम इस बार 200 का नारा लगा रहे हैं, हम 200 सीटें जीतेंगे, 200 से ज्यादा जीतेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यही बात दोहराई कि इस बार 200 का आंकड़ा हम पार करेंगे। तो दोनों तरफ से अलग अलग तरह की सियासत जो है देखने को मिल रही है, और बीजेपी ये कह रही है कि मुंगेरी लाल के सपने जो है कांग्रेस देख रही है, देख ले। कई सारे मुद्दों को लेकर जनता नाराज है, पर वही कांग्रेस कह रही है कि नाराज जनता कांग्रेस से नहीं बीजेपी से है, इस बार के चुनाव में दिख जाएगा। तो सियासत खूब हो रही है, आरोप प्रत्यारोप खूब लग रहे हैं और बवाल भी इस पर बहुत हो रहा है, क्योंकि आज जो है पूरे कॉन्फिडेंस में राहुल गांधी सबके सामने आए और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हम 150 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। तो उन्होंने दावा किया है कि 150 सीटें हम जीतेंगे मध्य प्रदेश में, और जो भी योजनाएं पहले थी वो सारी योजनाओं को फिर से चालू किया जाएगा, लोगों को लाभ मिल सकेगा। जिस तरह का लाभ पहले की सरकार में हमारी मिल रहा था, उसी तरह लाभ आम जनता को मिल सकेगा और इस बार हम जीतेंगे, ये दावा कांग्रेस की ओर से किया गया है। तो बड़ी बैठक आज हुई है दिल्ली में, ये बैठक हुई है और बैठक में कई सारे मुद्दों पर मंथन हुआ, रणनीति तैयार की गई। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, बड़ी बैठक कांग्रेस की हुई है जिसमें राहुल गांधी भी खुद शामिल हुए हैं, और इस बार राहुल गांधी ने बैठक के बाद मीडिया कर्मियों के सामने साफ तौर से कहा है कि 150 के पार हमारे पास सीटें आएंगी। मतलब ये माने कि फुल कॉन्फिडेंस पे कहीं ना कहीं कांग्रेस नजर आ रही है कर्नाटक के नतीजों के बाद। राहुल गांधी का ये इंटरनल सर्वे है जिसमें 150 का आंकड़ा निकल कर आ रहा है, और कर्नाटक के चुनाव के बाद जो है राहुल गांधी ने आज की बैठक में पार्टी नेताओं को भी यही टारगेट दिया है कि 150 सीटें पाने के लिए वो काम करें। आज देखिए संगठन को लेकर भी राहुल गांधी ने फीडबैक लिया है, और किस तरीके के चुनाव के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है। संगठन में कहां दिक्कत है उनको लेकर भी सुझाव जो पार्टी के नेताओं की तरफ से मिले हैं उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने एक मंत्र चुनाव जीतने का दिया है कि सामूहिक नेतृत्व के जरिए कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाने का काम करेगी, और जिस एकजुटता के साथ कर्नाटक के चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था उसी एकजुटता का परिचय यहां पर कांग्रेस के नेताओं को देना होगा। इस बात की सलाह और नसीहत भी राहुल गांधी की तरफ से दी गई है। तो बताया यही जा रहा है कि राहुल गांधी का जो सर्वे है उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 सीटें जीतने का दावा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो प्रदेश इकाई के द्वारा बात की जा रही है, एकजुटता की बात की जा रही है, सीएम फेस की जब लंबे वक्त से बात की जा रही थी कि आखिर सीएम फेस कौन होगा, तो कई बड़े नेता कहते थे कांग्रेस के कि हम फेस पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। इस बार जैसे ही फेस का अनाउंसमेंट किया गया है, आखिर जो पहले के बयान हैं इन दोनों को जोड़कर किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए आज भी राहुल गांधी से जब ये सवाल किया गया था कि मध्य प्रदेश में क्या कमलनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी 150 सीटें जीत रही है। लेकिन जो अंदर बैठक हुई है उसमें पार्टी के सभी नेताओं ने एक सुर में कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव में जाने और उनको मुख्यमंत्री के चेहरे पर प्रोजेक्ट करने पर अपनी सहमति दी, और बताया यही जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी कमलनाथ को सीएम प्रोजेक्ट कर सकती है। तो कुल मिलाकर कमलनाथ के चेहरे पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले पार्टी ने साफ कर दिया था कि बिना सीएम फेस के पार्टी चुनाव में जाने का काम करेगी, लेकिन आज जिस तरीके से पार्टी के नेताओं की राय निकल कर आई उसके बाद अब यह तय माना जा रहा है कि चुनाव से पहले पार्टी कमलनाथ को सीएम फेस बनाकर चुनाव में उतरने का काम करेगी। तो अभी फिलहाल पार्टी के नेता इस बात से परहेज कर रहे हैं कि किसी तरह की का कोई विवाद खड़ा ना हो, इसलिए
लिए सामूहिक नेतृत्व के साथ ही चुनाव में जाने का ऐलान पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में और चुनाव से पहले कमलनाथ को सीएम फेस प्रोजेक्ट करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने अभी से कर ली है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी घर घर दस्तक देगी और इस महासंपर्क में पार्टी के सारे बड़े नेता शामिल होंगे। इन नेताओं को 1000 परिवारों के बीच संपर्क करना होगा। इस मिशन आजारी की मॉनिटरिंग दिल्ली की केंद्रीय टीम करेगी। कल से शुरू होने वाला ये अभियान 30 जून तक चलेगा। तो पूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस दिन हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। ये पूरा महा विभिन्न कार्यक्रम चलने वाले हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह है कि हम 1000 परिवारों में पार्टी की रीति नीति, जनता की सरकार के द्वारा किया हुआ काम, जनता के हित का किया हुआ काम लेकर परिवारों के बीच में जाएंगे और हमारे प्रत्येक विधानसभा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 9 साल मोदी सरकार को पूरे हो रहे हैं और इस पर महासंपर्क अभियान बीजेपी चलाने जा रही है। अब घर घर दस्तक देने की तैयारी है बीजेपी की, आखिर किस तरह पूरा कार्यक्रम रहेगा, किस तरह लोगों को साधा जाएगा, जानकारी विस्तार से दीजिए। रितु, देखिए महासंपर्क अभियान कल से शुरू होगा जो पूरे 1 महीने तक चलेगा। इसमें 3 चरण होंगे, तो जो पहला और दूसरे चरण में तो पार्टी के अलग अलग लोगों से मुलाकात, प्रबुद्ध जनों से बैठके हैं, लेकिन जो तीसरा चरण है जो 20 से 30 जून के बीच चलेगा, ये चरण सबसे महत्वपूर्ण होगा। इस चरण के बीच में भाजपा के सभी नेता, जो प्रमुख नेता है, जो केंद्रीय मंत्री है, जो मध्य प्रदेश से बने हुए हैं, और इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव हो, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, वो तमाम जितने भी प्रमुख बड़े नेता हैं, ये सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोग इस अभियान में 20 से 30 जून के बीच अलग अलग घरों पर दस्तक देंगे। और भाजपा ने इसे एक तरह से नाम दिया है मिशन हजारी, मतलब भाजपा इसमें 1000 परिवारों के बीच संपर्क करेगी और ये प्रत्येक नेता को जिम्मेदारी दी गई है कि 1000 परिवारों के बीच उसे संपर्क करना है। अब इस परिवारों में या तो प्रबुद्ध जनों के परिवार होंगे, विशिष्ट जनों के, या ऐसे लोग जो साहित्यिक जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो कवि हैं, या इस तरह की पृष्ठभूमि वाले जो डॉक्टर्स हो, वकील हो, ऐसे परिवारों के बीच भाजपा घर घर दस्तक देगी और इन लोगों से संपर्क करके भाजपा को 9 साल जो मोदी सरकार के हुए उसकी उपलब्धियों के बारे में बताएगी और उसके अलावा ये बताएगी कि मध्य प्रदेश में भी कैसे डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। तो कुल मिलाकर भाजपा का जो मिशन है वो 2023 और 2024, इन दोनों को एक साथ अंजाम दिया जाएगा। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटती हूँ अगली खबर पर। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है, नेताओं में समन्वय बनाने को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया समेत दिग्गज अब शामिल होंगे और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सभी बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। देर शाम ये बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, समन्वय बैठाने के लिए पार्टी में बड़ी बैठक बीजेपी की होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण होगी और किस तरह से समन्वय आखिर बैठाया जाएगा पार्टी में? रितु, ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि इसे भाजपा की एक कोर ग्रुप, लेकिन एक टोली बैठक है और इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये लोग अभी सभी प्रमुख नेता शाम को अभी पहुंच जाएंगे और इसके अलावा वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, ये सभी नेता शाम को एक साथ 7 बजे बैठक शुरू करेंगे। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी कुछ दिनों से बीजेपी में समन्वय को लेकर कहीं ना कहीं बात आ रही थी कि कुछ नेताओं में मनमुटाव है या अभी कुछ तरह के बयान सामने आए थे, कुछ तरह की गुटबाजी सामने आई थी, इन सभी चीज़ों को विराम देने के लिए यह बैठक रखी गई है और इसमें सभी नेता शाम को चर्चा करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी से कोई एक लाइन आएगी कि किसी तरह का भी कोई विवाद नहीं है और सारे नेता एकजुट हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, वो बस्तर में 4 दिन गुजारेंगे। इधर बस्तर को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, बीजेपी यहां की
12 सीटों पर सर्वे करा रही है, जिसको लेकर वार पलटवार जारी है। चुनावी साल कांग्रेस का सर्वे, जीत का दावा। सर्वे पर मचा सियासी घमासान। बस्तर की 12 सीटों पर कांग्रेस सर्वे करा रही है। बस्तर सांसद दीपक बैज ने बस्तर की सभी सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी। विधायकों का काम को आकलन किया जाएगा, लगातार आकलन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस और हाईकमान कर रही है, सर्वे भी चल रही है, उस आधार पर दिल्ली हाईकमान फैसला लेगा। लेकिन दिल्ली हाईकमान जिसको भी टिकट देगा, हम लोग पूरे लोग, पूरे कार्यकर्ता, हम उसके लिए काम करेंगे। सर्वे के मुताबिक क्या चल रहा है? सर्वे का मुताबिक सीधा सीधा ये रहेगा कि जीता हुआ प्रत्याशी को ही हाईकमान टिकट देगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सरकार बनाना हमारे लिए सबसे प्राथमिकता है। और इस 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम हुआ है, तो निश्चित रूप से सर्वे के आधार पर जो अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, पार्टी उसको टिकट देगी, जिसको पार्टी टिकट देगी, हम उसके लिए काम करेंगे। इधर बस्तर सांसद के दावे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस के पास सर्वे के अलावा कुछ काम नहीं है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं सर्वे के अलावा। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर सर्वे करती है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो भी करना केंद्र करता है, लेकिन हम इस तरह के कोई नहीं, हम काम के भरोसे आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता पाने की सीढ़ी बस्तर से होकर जाती है। विधानसभा चुनाव में बस्तर की 12 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, इसलिए चुनाव के पहले चरण में सबसे पहले बस्तर में चुनाव संपन्न कराया जाता है, और इन 12 सीटों को पाने के लिए दोनों राजनीतिक दलों के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। साल 2018 के चुनाव में बस्तर की सभी 12 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी। श्रीनिवास नायडू, जगदलपुर, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।